गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. यस्टरडे वी रीड द टॉपिक ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन में हमने रीड किया था रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का. रिलेटिव प्रोनाउन में हमने हु का यूज पढ़ लिया था, हुम का रीड कर लिया था, हुज का कर लिया था और विच को पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे व्हाट का यूज, यानी यूज ऑफ व्हाट. व्हाट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कि क्या. व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या. इफ ए ब्लैंक इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, इफ ए ब्लैंक इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि यदि रिक्त यानी कि वाक्य की शुरुआत में अगर कोई ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां पर क्या आता है, व्हाट आता है. जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, कैन ब्लैंक कैन नॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी इंड्यूरेड. तो यानी कि ऊपर लिखा हुआ है इफ ए ब्लैंक इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि यदि वाक्य की शुरुआत में ब्लैंक दिया हुआ है तो उसमें आएगा व्हाट. जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे हैं उसमें. नेक्स्ट है इसमें, इफ ए ब्लैंक इज आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इफ ए ब्लैंक इज आफ्टर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी यदि एक क्रिया के बाद क्या आता है, रिच स्थान आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है. ये देखिए, गिव वर्ब है और उसके बाद में हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ कि वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसके बाद में ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, तो उसमें आ जाएगा व्हाट. गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, प्लीज टेल मी, ये वर्ब हो गई और उसके बाद में मी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में ब्लैंक हो गया, उसके बाद में यू नीड हो गया. तो इसमें भी क्या जाएगा, व्हाट का प्रयोग यूज होगा, प्रयोग होगा. इफ ए ब्लैंक इज आफ्टर ए वर्ब, इफ ए ब्लैंक इज आफ्टर ए वर्ब, दिस इज ब्लैंक ही लाइक्स. यहां पर लिखा हुआ कि यदि एक रिक्त स्थान है आफ्टर ए वर्ब, वर्ब के बाद में, तो ये एक वर्ब होगी और वर्ब के बाद में यहां पर क्या है, ब्लैंक है, तो इसमें भी क्या जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज होगा. इसके बाद में पढ़ेंगे अपन व्हेन का यूज ऑफ व्हेन. व्हाट का यूज करने के बाद में नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ व्हेन. यूज ऑफ व्हेन, यूज ऑफ व्हेन, इफ ए टाइम हैज बीन गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक, व्हेन विल बी यूज्ड. क्या लिखा है, इफ ए टाइम हैज बीन गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक, व्हेन विल बी यूज्ड. यदि रिक्त स्थान से पहले, ठीक पहले टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो ब्लैंक की जगह क्या आएगा, व्हेन का यूज होगा. यदि ब्लैंक से ठीक पहले, ये ब्लैंक वाले से ठीक पहले अगर टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो इस ब्लैंक में व्हेन का यूज होगा. इट वाज मिडनाइट, मिडनाइट एक क्या होगा, टाइम होगा, तो इसमें क्या जाएगा, व्हेन द थिक एंटर द हाउस. इट वाज संडे, व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक. इसके बाद में है यूज ऑफ व्हेयर. यूज ऑफ
वेयर यूज ऑफ ए वेयर वेयर इफ द वर्ड गिवन बिफोर द ब्लेम इज एसोसिएट विथ ए प्लेस और सिग्निफाइज ए प्लेस अगर एक स्थान के सामने दिया गया एक शब्द एक स्थान के साथ संबंध होता है जो किसी स्थान को दर्शाता है यदि कि क्या लिखा हुआ है इफ द वर्ड गिवन बिफोर द ब्लेम इज एसोसिएट विद ए प्लेस यानी कि एक स्थान के साथ क्या होता है उसका संबंध होता है जो किसी स्थान को दर्शाता है तो ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल है इसका दिस इज द टेंपल गांधी जी वाज शूट डेड यानी कि इस गांधी जी का किससे संबंध है इस टेंपल से संबंध है तो इसमें क्या आएगा वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा इसी प्रकार इसमें है कि दिस इज द स्कूल आई स्टडी फॉर 5 ईयर यानी कि इसका संबंध किससे है इस स्कूल से है तो इसमें किसका यूज होगा वेयर का यूज होगा वेयर का यूज करने के बाद में नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हाई यूज ऑफ व्हाई क्यों यूज ऑफ व्हाई यूज ऑफ व्हाई में हम वेयर रीजन हैज बीन गिवन बिफोर द ब्लैंक जब समाधान से पहले ही कारण से पहले ही पूर्व कोई बात कर दी गई हो जैसे एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट दिस इज द रीजन यह कारण है व्हाई ही डिड नॉट कम वह नहीं आया ये कारण है कि वह क्यों नहीं आया दिस इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू दिस इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू यानी कि यही कारण है कि मैंने आपको बुलाया है इसके बाद में नेक्स्ट है अपना यूज ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का नेक्स्ट जो है अपना दैट तो इसमें है 5 मेन कंडीशन टू यूज दैट 5 कंडीशन है आपके पास 5 प्रकार से हम दैट का यूज कर सकते हैं फर्स्ट देखिए इन ए सेंटेंस इफ देयर इज सुपरलेटिव डिग्री बिफोर द एंटीसीडेंट फर्स्ट एग्जांपल देखिए यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से के पहले किसका प्रयोग होता है यानी कि जिस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का यूज है उसमें किसका प्रयोग होगा दैट का देखिए मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ब्लेम रीड्स इन अवर स्कूल तो इसमें किसका यूज होगा दैट का होगा क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट वर्ड आया हुआ है सेकेंड है इसमें इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन whom और which यानी जब आपसे कोई पर्सन पूछता है और उस स्थान का रिलेटिव प्रोनाउन से संबंध क्या है who whom which से जैसे फर्स्ट एग्जांपल है who is he खालिस्तान travels you तो इसमें किसका प्रयोग होगा that का सेकंड है इसमें what is it that worries him so much सीखा है इसमें इफ वर्ड्स सच एज ओनली
एनी सेम आर नथिंग नो वन नो बडी एनी बडी एनीथिंग नन लिटिल ईटी यानी एक्स्ट्रा आर बिफोर द ब्लेंक आल आल के बाद में अगर ब्लेंक दिया हुआ है तो ऊपर ही अपना लिखा हुआ है नियम कि उसके बाद में दैट का यूज होगा. दिस इज द सेम सेम यहां पर भी सेम है ऊपर फर्स्ट में आल दिया था ये सेम के बाद में आल के बाद में ओनली के बाद में एनी के बाद में नथिंग एवरीबडी एनीबडी और नो वन नथिंग एनीथिंग नन लिटिल इनके बाद में अगर ब्लेंक है इनके भी स्थान है तो वहां पर हम डेट का यूज कर सकते हो. तो इसमें भी क्या यूज हो जाएगा डेट का यूज हो जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट अपना है डेट में अपना चौथा पॉइंट है वेयर पर्सन प्लस थिंग और पर्सन प्लस एनिमल आर बिफोर द ब्लैंक क्या मिलेगा अपने को पर्सन में वेयर द पर्सन प्लस थिंग यानी पर्सन मिल सकता है साथ में आपको थिंग मिलेगा या फिर पर्सन पर्सन मिल सकता है प्लस एनिमल जानवर मिल सकता है आर बिफोर द ब्लैंक बिफोर से पहले द मैन एक पर्सन हो गया एंड द डॉग एक एनिमल हो गया ब्लैंक यू सी लिव नेक्स्ट डोर तो इसमें किसका यूज करेंगे डेट का करेंगे यानी कि मैन एंड द डोर एक पर्सन हो गया और साथ में एक एनिमल हो गया यानी कि एक एनिमल और एक मैन का जब यूज होता है उसके बाद में ब्लैंक आता है तो उसमें किसका यूज होता है डेट का होता है. उसके बाद में द बॉय एंड हिज काउ एक मैन का और उसके बाद में एक एनिमल का तो इसमें भी किसका यूज हो जाएगा डेट का. वी सी वॉकिंग इन द फील्ड लिव इन दिस विलेज तो इसमें भी किसका यूज होगा डेट का होगा. उसके बाद में अपना पांचवा पॉइंट है इसमें इफ प्रीपोजिशन इफ प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ रिलेटिव क्लोज फर्स्ट एग्जांपल है इसका आई नो द हाउस आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन दिस इज द बुक दिस इज द बुक दिस इज द बुक दैट I told you about today. Relative pronoun. Read the topic of that. Why? Where? When? का study किया. इसके बाद में इन सभी को अपनी notebook में note करना और अच्छे तरीके से इनको याद करना.